मीटियोर में अभी तक सिर्फ दो अपडेट आए, एक तो कलर थीम से रिलेटेड, दूसरा E20। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी दो मीटियोर लाइनअप में दिख रही है। यहाँ पर BS6 है बट ये 2021 वेरिएंट है, बट यहाँ पर है हमारे साथ ऑल न्यू मीटियोर E20 फेस 2 वेरिएंट। फर्स्ट राइड इंप्रेशन होने वाला है। मीटियोर पर इतनी सारी वीडियोस बना दी है, बट आज की वीडियो में फर्स्ट राइड इंप्रेशन के बारे में बात करेंगे कि यार चलने में कैसी है, कॉम्पिटिटर से कंपेयर करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो E20 की बैजिंग, बिकॉज यार व्यूअर्स को प्रूफ दिखाना जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो E20 की बैजिंग मिल जाती है। दोनों गाड़ियाँ इसलिए लाइनअप में है बिकॉज पिछला एक कोर रिव्यू इस पर बना चुका हूँ, उस वेरिएंट से भी कंपेयर करा था। बेस वेरिएंट को राइड करने वाले हैं। ज्यादा कुछ बातें नहीं करते हैं, मेरे मोटर व्लॉगिंग सेटअप को पहनता हूँ, फिर आपके साथ मिलता हूँ। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली चलते हैं इसको राइड करने के लिए। सो विद पिलियन राइड करूंगा आगे अपने हर्षिल भाई की मीटियोर है। ये अपनी कस्टम ब्लैक, ये अपनी ग्रीन कलर में। एग्जॉस्ट स्टंप आपको सुना देता हूँ। सो अभी देखो, इतनी देर से उसको चला के आ रहा था, 2 साल पुरानी गाड़ी और नए में क्या डिफरेंस है ये भी पता करेंगे। सबसे पहले इनिशियल पिकअप से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द स्टार्ट आपको ये एकदम पुल नहीं देती, आपको शुरुआत से लेकर टॉप एंड तक जो है एक लीनियर ही पावर डिलीवरी देखने को मिलने वाली है। हालांकि इसमें आपको RPM मीटर जैसा भी कोई फीचर देखने को नहीं मिलता। रिफाइनमेंट बहुत हद तक बढ़ा दी है। पहली बार रॉयल इनफील्ड की बाइक चला रहे हो, कभी आपने BS6 बाइक चलाई नहीं है, तो आपको बहुत ही रिफाइंड देखने को मिलने वाली है। इंजन स्पेक से ही स्टार्ट करते हैं। इसका इंजन बता देता हूँ आपको, 349 cc का सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है। 20.4 PS की पावर प्रोड्यूस करता है एंड 27 Nm का टॉर्क। E20 अपडेट के साथ आई है, तो अभी E20 फ्यूल जैसे ही गवर्नमेंट लॉन्च कर देगी वो फ्यूल भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही में ये जो गाड़ी आप फर्स्ट टाइम अभी देखोगे ना, मतलब अभी नई गाड़ी है तो हीटअप बहुत हो रही है, तो नए नए में गाड़ी हीटअप होगी उस चीज़ को इग्नोर करना, बिकॉज जैसे ही आपका ऑयल चेंज होगा फर्स्ट सर्विस के बाद गाड़ी थोड़ी चलेगी, उसके बाद ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। बाकी अगर सिटिंग पोस्चर की बात करें, रॉयल इनफील्ड के सेगमेंट में से, रॉयल इनफील्ड कंपनी में से सबसे कंफर्टेबल बाइक मुझे मीटियोर 350 और 650 लगती है, बिकॉज इतनी कंफर्टेबल पोजीशन है। यहाँ पर आप देखोगे मेरे पैर काफ़ी आगे हैं और पोस्चर इतना बढ़िया है, मतलब आप टॉल हाइटेड भी हो ना, गाड़ी आपके ऊपर छोटी लग सकती है, बट चलाने में बहुत ही कम्फर्टेबल रहने वाली है। जिस हिसाब से मैं क्रूज़ कर पा रहा हूँ, मतलब मैं ऐसे ही 200 km भी चलाऊँगा ना ही मुझे बैक पेन होगा, ना ही थकान होने वाली है। यहाँ से ब्रेक टेस्ट करते हैं, फ्रंट ब्रेक और रियर ब्रेक दोनों की बाइट देखेंगे, एकदम नहीं ट्राई करेंगे यार, नई बाइक है। ये देखो ब्रेकिंग बढ़िया है और टर्निंग रेडियस भी आप देख सकते हो, मतलब लीन करने में, मनूवर करने में कोई भी इशू नहीं आता है। वैसे तो पहले से इतने सारे कंटेंट बना चुका हूँ, अब E20 में चलाने में क्या डिफरेंस लग रहा है, तो आपको ऐसे तो कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज इंजन के अंदर टेक्निकल अपडेट्स करे जो कि आपको देखने में फिज़िकली पता नहीं लगेंगे, बट इन कुछ सालों में, 1-2 सालों में रॉयल इनफील्ड ने अपने प्रोडक्ट्स पर बहुत वर्क करा है। इंटरसेप्टर देखोगे, GT देखोगे, सभी में मतलब काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी ला दी है। LED लाइट्स मिल जाती है, एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। हालांकि इसके चेंजेस की बात करें तो मीटियोर में अभी तक सिर्फ 2 अपडेट आए, एक तो कलर थीम से रिलेटेड, दूसरा E20। बाकी वही जो पहले से आ रही है आपको देखने को मिलने वाली है। अब वेरिएंट्स बता देता हूँ जो नए व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए। 3 वेरिएंट्स इसमें आते हैं, फायरबॉल, स्टेलर एंड सुपरनोवा। इसकी एक शोरूम प्राइस है 2,03,000 रुपीज़। स्टेलर की रहेगी 2,09,000 रुपीज़ एंड सुपरनोवा की आपको मिलती है 2,25,000 रुपीज़। तो अगर आप बेस से टॉप वेरिएंट में देखोगे तो अराउंड 22,000 रुपीज़ का एक शोरूम में डिफरेंस है, और उतने प्राइस पॉइंट पे आप देख रहे हो ना, 20,000 से 25,000 रुपये के डिफरेंस में आपको एक बाइक मिल सकती है, वो है हार्ले 440। साथ ही में आप ट्रायम 400 के लिए भी जा सकते हो। आज की तारीख में देखोगे ना तो मीटियोर के बहुत सारे राइवल्स आ चुके हैं, होंडा CB350, ट्रायम 400, हार्ले 440X। बट आज से लेके 2 साल पहले देखोगे तो जैसे ही मीटियोर को लॉन्च करा था, इस सेगमेंट में इससे बेटर क्रूजिंग बाइक नहीं थी। बट आज की तारीख में आप चॉइस के अकॉर्डिंग बाइक्स को चूज़ कर सकते हो। ज़्यादा बेटर पावर चाहिए तो ट्रायम 400 ऑप्शन है, ज़्यादा कंफर्टेबल राइड चाहिए तो मीटियोर ऑप्शन है, एक फ़न टू ड्राइव मोटरसाइकिल चाहिए, साथ ही में ब्रांड नेम चाहिए तो हार्ले डेविडसन ने भी हीरो के साथ बाइक लॉन्च कर दी है। अभी मैं 60 की स्पीड पर राइड कर रहा हूँ, देखो थोड़ी 80 की स्पीड ले जाता हूँ मैं। ये देखो रिफाइनमेंट,
इतना स्मूथ कर दिया है ना ये जे प्लेटफॉर्म का इंजन। स्पीडी मुझे पता नहीं लग रही, बहुत ही रिफाइंड इंजन है। हालांकि इसमें ट्रिपर नेविगेशन नहीं मिलता बिकॉज दिस इज़ बेस वेरिएंट फायरबॉल, इजीली आप शोरूम से एज ए नेसेसरी लगवा सकते हो। 15 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है और 191 केजीस का बाइक का वेट है। लेग गार्ड ओरिजिनल लगवाया तो कुल मिला के अगर वेट की बात करें आफ्टर एसेसरीज तो 200 केजीस की बाइक है। रॉयल इनफील्ड की बाइक्स तो देखो भारी आती है, तभी बोलते हैं ना एक रॉयल फील आपको मिलता है इस बाइक को चलाते टाइम। अब गाड़ी वेटेड है, उससे बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया रहने वाली है, साथ ही में स्टेबिलिटी, मतलब जिस हिसाब से मैं हाईवे पे चला रहा हूँ पास से कोई ट्रक निकलता है ना तो आपको बिल्कुल भी इनसिक्योरिटी फील नहीं होने वाली है। और ये गाड़ी है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप कॉम्पिटिटर से कंपेयर करते हो ना, मतलब आज की वीडियो में हम हाईवे राइड पर ही निकले हैं तो आप राइड तो एंजॉय करो ही, साथ ही में मैं सारी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास थंडरबर्ड है, 9 ईयर्स उसको कम्प्लीट हो चुके हैं। टाइम टू टाइम सर्विस कराओगे, एक बार वॉश करा लोगे ना, आप मेरी गाड़ी देखोगे एक बार वॉश करा लोगे ना आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा, 9 साल हो गए उस गाड़ी को। तो यही बताना चाह रहा हूँ, रॉयल इनफील्ड की बाइक्स लॉन्ग टर्म के लिए रहती है। अगर आप इसके सेगमेंट में कौन सी स्पोर्ट्स बाइक कंसिडर करोगे ना, इंजन को भले ही कुछ भी नहीं होगा बट जो उसके पार्ट्स है, फेयरिंग है, सब एकदम पुरानी लगने लग जाती है। ओवरऑल तो देखो इसको चलाने का फील पहले से ही अपनी जगह बेस्ट रहा है। और ये बाइक किनको पसंद आएगी पता है, जिन्हें क्रूजिंग बाइक्स के लिए प्यार है, क्रूजिंग बाइक्स का नॉलेज है। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल एज अ स्पोर्ट्स लवर अगर मैं ड्यूक 390 चलाता हूँ या फिर R15 V4 चला रहा हूँ, कौन सी भी ऐसी बाइक चला रहा हूँ स्पोर्ट्स बाइक, उसके कंपैरिजन में इसको चला रहा हूँ तो मैं तो बोलूँगा अरे यार ये क्या है भाई, ना एग्जॉस्ट साउंड इतना लाउड है, ना ही इसमें कोई इतने पावर है तो चलाना क्यों। तो जिसको फील का मज़ा लेना है उसी के लिए बाइक है। थोड़ा लीन करके इसका कंफर्ट बता देता हूँ, पीछे कोई भी नहीं आ रहा, ये देखो आप जो क्रूज़ करने में कॉन्फिडेंस देती है ना, ये देखो लीन में कंफर्ट नेक्स्ट लेवल मिलता है। फ्रंट में 100 सेक्शन टायर है, रियर में 140 सेक्शन टायर है, ड्यूल चैनल ABS, ड्यूल डिस्क ब्रेक्स के साथ नेक्स्ट लेवल मज़ा आ रहा है। जहाँ तक की माइलेज की बात आती है ना, इंडिविजुअल राइडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, बट आप हाईवे पे इकोनॉमी पे चलाते हो 45 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, हाई स्पीड में आपको 35 से 40 के बीच में देगी। आगे एक और मीटियोर है, ये शायद अपनी टॉप वेरिएंट है। वर्डिक की ओर भी बढ़ेंगे बट हालांकि यार धूप इतनी है आज और इतनी देर से मैं शूट कर रहा था तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलूँगा। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी गियर शिफ्टिंग की। तो क्लच का जो प्ले है, क्लच काफ़ी बड़ा है, मतलब अगर आपके हाथ छोटे हैं ना तो आपको गियर चेंजिंग में थोड़ा इशू हो सकता है। बाकी गियर शिफ्टिंग स्मूथ तो नहीं बोलूँगा बट जो रॉयल इनफील्ड की रहती है हमेशा, गियर फंसने जैसा इशू तो नहीं आएगा इसमें आपको। बट अगर डाउन शिफ्ट्स की बात करें क्लच का प्ले थोड़ा ज़्यादा है। सिटी कम्यूट में भी अगर आप ऐसे लीन करके निकाल रहे हो ना तो आपको ऐसे चलाने में कोई भी इशू नहीं आता है, मतलब आपको अलग ही कंट्रोल में लगेगी। लाइक आप देख सकते हो अगर मैं इसको यहाँ से भी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपको ये देने वाली है, ज़्यादा रैश चलाएंगे नहीं। अब वर्डिक की ओर बढ़ते हैं, शुड यू बाय दिस बाइक और नॉट। इस सेगमेंट में बहुत सारे कंपटीशन आ चुके हैं बट जो कोई रॉयल इनफील्ड लेने का प्लान करता है ना, या तो उसकी ये ड्रीम बाइक रहती है, जिसे ये गाड़ियाँ पसंद आती है ना सबका अपना एक ड्रीम भी रहता है, कहीं ना कहीं अगर मेरे को मीटियोर पसंद आ गई है तो मैं इससे बेटर भी कौन सी बाइक रहेगी तो मुझे वो अच्छी नहीं लगी, एक तो वो सीन हो जाता है। बट जहाँ प्रैक्टिकलिटी की बात आती है, रॉयल इनफील्ड की बाइक आपको क्यों लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँगा। लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी, मेंटेनेंस इतना भी ज़्यादा नहीं रहेगा बिकॉज स्पेयर पार्ट इजीली मिल जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी इशू नहीं रहने वाला है। माइलेज ठीक ठाक मिल जाएगा, बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी टॉप पे रहने वाली है और एक जो ब्रांड रेपुटेशन रहती है ना उसमें ये काफ़ी अच्छी है। जहाँ हार्ले की बात आती है, हीरो और हार्ले ने टाइप में बनाई है, ट्रायम्फ और बजाज ने ट्रायम्फ 400 को लॉन्च करा है। बट जहाँ आपको माइलेज भी चाहिए, अच्छी है, क्रूजिंग बाइक चाहिए तो फॉर श्योर आपके लिए मीटियोर वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहने वाली है। ओवरऑल तो देखो यार बहुत सारे ऑप्शन है, होंडा CB350 भी है बट उसका सेल बहुत लिमिटेड है, बट जितनी मैंने 350 चलाई है टॉर्क और पावर उसमें बहुत अच्छी फील होती है। ऑल राइट गाइज, यार आज की वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो में मज़ा आया हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कौन सी बाइक्स पर आपको राइड वीडियोस चाहिए, माइलेज टेस्ट चाहिए, एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।